तो कैसे हो आप लोग? बहुत बुरे हैं हम। अरे नहीं यार, आप अच्छे रहो और इस वीडियो को देखने के बाद आप और भी अच्छे हो जाओगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप सभी को जून का इलाइट पास मैं रिवील करने वाला हूँ, और साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ कि हमारा नेक्स्ट वेपन रॉयल कौन सा आएगा, और साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ कि हमारा ये जो तीन गन मिल रही है इसमें से हम लोग को कौन सा गन लेना चाहिए, समझ रहे हो? तो वीडियो काफी ज्यादा मजेदार है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आप सभी को सारा का सारा इवेंट क्लियर हो जाने वाला है। पहले पहले हम बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट वेपन रॉयल के बारे में, मतलब नेक्स्ट वेपन रॉयल हमारा फ्री फायर के अंदर क्या कुछ न्यू देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हैं ये MG7 का ये काफ़ी ज़्यादा लीक निकल रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट वेपन रॉयल के अंदर आएगा। साथ ही साथ ये एक स्कार का स्किन है, इसका भी काफ़ी ज़्यादा लीक निकल रहा है। मैं आप सभी को दो दिखा दिया, दोनों में से कोई भी एक आने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं। ये जो स्कार की स्किन है इसका रेट ऑफ फायर माइनस है और मैगजीन भी काफ़ी ऊपर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मस्त है ये स्कार की स्किन। लॉन्ग रेंज के लिए काफ़ी ज़्यादा मस्त है। इसका साथ ही साथ एट्रीब्यूट भी देख सकते हैं, एट्रीब्यूट भी काफी मतलब मस्त लगा मेरे को। ये वाला स्कार की स्किन वेपन रॉयल के अंदर आ जाए तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलो बात कर लेते हैं ये तीनों गन में से आप सभी को कौन सा गन लेना चाहिए। तो मेरे को जहां तक पता है कि आप सभी को इसका मैं पोस्टर आप सभी को दिखा देता हूं, तो देख सकते हैं ये पोस्टर, इसमें आप सभी को पूरा का पूरा फुल डिटेल दिया हुआ है, आप सब पढ़ लीजिएगा। लेकिन जहां तक मेरे को पता है कि आपके पास अगर UMP के कोई भी अच्छी गन स्किन नहीं होगी तो आप UMP ही लीजिएगा, क्योंकि पैराफेल को तो एकदम छोड़ी, क्योंकि पैराफेल ज़्यादा मिलती भी नहीं है और पैराफेल को ज़्यादा कोई यूज़ भी नहीं करता है। तो जहाँ तक मैं बताता हूँ आप UMP लेना, क्योंकि UMP क्लेश स्क्वाड एंड रैंकेड रैंकेड में ज़्यादा वर्क करती है, इसीलिए आप UMP लेना। तो चलो बात कर लेते हैं हमारा जून मंथ इलाइट पास के बारे में। स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं अवतार ही अवतार है, दोनों अवतार ही, और साथ ही साथ ये लड़की का शर्ट है, आप सभी को शर्ट में दिखा देता हूँ। तो ये शर्ट भी काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा, और साथ ही साथ यहाँ पे बैनर आप देख सकते हैं, और उसके बाद से एक लड़का का शर्ट है, लड़का का शर्ट भी काफ़ी ज़्यादा OP है। साथ ही साथ यहाँ पे 50 बेस पे आप सभी को मिल जाता है गर्ल्स का रेयर वाला बंडल, जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा मेरे को। ये पबजी टाइप का लग रहा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा मस्त है, और इसका मुंडी भी काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा देख सकते हैं आप ये। और उसके बाद से काफ़ी मतलब बेकार बेकार चीज़ें पैट और ये सब है, और उसके बाद से सिंपली से आप आ जाता है यहाँ पे आपको सभी का किंग फिशर का स्किन, जो कि लेजेंडरी नहीं है, इसको हम बाद में दिखाएंगे, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है। और यहाँ पे आपको आ जाता है एक बॉय का शर्ट, जो कि आप इलेक्ट पास भी नहीं लोगे तो ये आपको शर्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे स्केटबोर्ड देख सकते हैं, ओ भाई स्केटबोर्ड भी काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा, लेजेंडरी वाला स्केटबोर्ड है। और यहाँ पे बैनर देख सकते हैं, बैनर ये इलाइट पास का है, और यहाँ पे स्नैप का स्किन देख सकते हैं, ये भी लेजेंडरी नहीं है, इसको भी काफ़ी मतलब बेकार टाइप का है। और यहाँ पे बैनर अवतार है, और यहाँ पे एक लूटबॉक्स, आप ये लूटबॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा ये वाला इलाइट पास का। मैं तो बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा मस्त यही वाला इलाइट पास मेरे को लग रहा है। और यहाँ पे आप सभी को बैकपैक भी काफ़ी ज़्यादा मस्त वाला बैकपैक आप सभी को देखने के लिए जाता है, जो कि काफी ज्यादा मस्त लगा। लेवल 2 पे ये भी मस्त लगा, और लेवल 1 पे भी काफी ज्यादा रियर है लेवल 1 पे भी। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ आप सभी को मिलने जाते हैं, लेकिन बाद में आप सभी को मिलते हैं इमोट्स, जो कि इमोट काफी ज्यादा, आजा भाई आजा झलक दिखला आजा बट कुछ भी कहो भाई, ये इमोट भी काफी ज्यादा मस्त लगा मेरे को, एकदम मस्त नच रहा है। उसके बाद से आप सभी को मिल जाता है पैरासूट काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा मेरे को। और यहाँ पे आप सभी को लास्ट में मिल जाता है रेयर बंडल बॉय का, जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा भाई, लेकिन बीच वाला भाग मेरे को ज़्यादा मस्त नहीं लगा। लेकिन पैंट वेंट जो कि है, जूता होता जो मतलब जो भी आप बोल सकते हैं, इसका मुंडी वंडी मस्त लगा मेरे को। तो इलाइट पास देख लिए तो भाई जा रहे हो यार, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो इलाइट पास एंड अनकमिंग इवेंट के बारे में इस चैनल पे आप सभी को मिलती रहती है। और हाँ, बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर से कर देना, क्योंकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाए और सबसे पहले आप न्यूज़ ले सको।